साहब। आओ बैठ। उन्हें आना तेरी तू दुकान देख रहा है तू कर रहा है तो नहीं सर हेलो जैसे गवर्नमेंट का आर्डर है तो हम आज माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से हम भेंट करके आए हैं और हमें बड़ी उम्मीद भी थी कि शायद हमारी बात को हमारी प्रार्थना को वो स्वीकार करेंगे तो उन्होंने उस पर कोई अपना उत्तर तो दिया नहीं है लेकिन सिर्फ वो कहते हैं कि देखेंगे तो हमने उनसे प्रार्थना की थी कि अगर हमारे लाइसेंस 2023 तक रीन्यू हैं तो कृपा करके हमें 2023 तक काम करने की आज्ञा दीजिए। उसके अतिरिक्त यहाँ भी आप जिस क्षेत्र में भी आप वाइन शॉप खोलना चाहते हैं जो लाइसेंस इशू करना चाहते हैं चाहे आप ऑक्शन के द्वारा करें या लाइसेंस के प्रणाली द्वारा करें आप कीजिए लेकिन हमें कम से कम 2 साल का एक अवसर जो है वो हमें दे दिया जाए ताकि हम अपने ज़रूरतें हैं जिस तरह से हर एक व्यक्ति ने अपनी एक प्लानिंग की होती है जिसको पता है कि मुझे कम से कम 2023 तक मैं अपनी दुकान का काम कर सकता हूँ तो उसने बड़े किस्म के लोन लिए होते हैं जैसे हाउसिंग लोन है या एजुकेशन लोन है और किसी लोगों ने तो अपने मेडिकल के ऊपर भी लोन लिए हुए हैं वो तो सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रख के देखें तो कम से कम थोड़े वक्त तो हमें देना चाहिए था। तो आज भी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी निकाल दी है उसके उपरांत भी अभी तक जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसने अभी रेट लिस्ट नहीं निकाली जिस पर MRP बनना था। अब वो MRP किस रेट पे क्योंकि टैक्स का स्ट्रक्चर उन्होंने बढ़ा दिया है अब वो MRP ना बनने के कारण दुकानें बसे भी बंद हैं क्योंकि हम सेल ही नहीं कर पाते किस रेट पे सेल करें कल को हमें नुकसान और हो ये तो नुकसान है ही है। अब हमें केवल 1 महीने का वक्त दिया है कि 1 महीने के बाद जैसे एक व्यक्ति को कहा जाता है कि तुम्हें 1 माह के बाद फांसी लगनी है अब वो फांसी लगनी है 1 महीने के बाद तो वो आज तो हम अपनी फांसी का इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब फांसी लगेगी 1 महीने के बाद तो हमारी छुटकारा हो जाएगा हमें तो उस नतीजे पर ला के खड़ा कर दिया गया है। लेकिन हमें उम्मीद है आने वाले समय में कि कल भगवान कुछ अच्छा ही करे हमारे अभी केस हाईकोर्ट और उच्च न्यायालय के अंदर भी हैं हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम कुछ ना कुछ सर, जिस तरह से आज दुकान बंद है क्या लगातार बंद रही है क्या उसका नहीं ऐसा नहीं है आज शाम तक हमें संभावना है कि गवर्नमेंट जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो MRP की लिस्ट निकाल देगा और उसके उपरांत दुकानें खुल जाएंगी उसी नए MRP का प्रतीक्षा हो रही है वो जो नया MRP आएगा उसके बाद हम दुकानें ओपन करेंगे।